असल में हम जो अपने देश में अमन स्थापित करने के लिए करने के लिए फिरका परस्तों ने जो बदअमनी का माहौल देश में बना दिया है उससे अपने देश को ठीक करने के लिए 29 तारीख को जो हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड में मुस्लिम महापंचायत उसके लिए बुलाया गया है। बाकी इसराइल ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया ये जानती है कि इसराइल नाजायज कब्जेदार है, उसने नाजायज कब्जा किया हुआ है। वो शरणार्थी की हैसियत से गया था और फिलिस्तीनियों ने उसकी उन लोगों की मदद की थी, नरेंद्र मोदी खड़े की थी, तो ये नाजायज कब्जेदार है और ये वहाँ के लोगों को मार मार के उनकी जमीनों को छीन रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन अगर अपने हक को जमीन की बात कर रहा है तो दुनिया उसे आतंकवादी क्यों कह रही है? नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में, अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। जी लेकिन सर वैसे तो अगर जो वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोग, वो भी इसराइल के पूरी तरीके से समर्थन में है। अमेरिका का सदर बिना इसराइल की मर्जी के कोई रह नहीं सकता, और जो इसराइल की मर्जी के बगैर वहाँ सदर बन गया वो मारा गया, उसकी मौत का पता नहीं चला कि कैसे मरा। अमेरिका को अमेरिका नहीं जला रहा है, अमेरिका को इसराइल जलाने का काम कर रहा है। तो इसराइल के साथ अमेरिका का खड़ा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन नरेंद्र मोदी का खड़ा होना ये स्वाभाविक इसलिए नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी अडानी जी को अगर इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह ना दी गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी इसराइल की हिमायत ना करते। अडानी जी को जो वहां से बंदरगाह मिली है उसके इवज में नरेंद्र मोदी ने उनकी हिमायत की। आप हमास को कैसे देखते हैं? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।